दोस्तों टीन एज में आप ऐसे कई दिक्कतों का सामना कर रहे होंगे जिसके बारे में न जल्दी कोई बात करता है और ना ही करना चाहता है। इन दिक्कतों की सबसे अजीब बात ये है कि आप इसे महसूस तो कर रहे हैं लेकिन आपको इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं है कि आखिर ये आपके साथ हो क्यों रहा है। मैंने अपनी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अक्सर ये नोटिस किया है कि ज्यादातर टीनेजर मेनली इन सात दिक्कतों का सामना करते ही जा रहे हैं और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। इसलिए आज इस वीडियो में टीनेज लाइफ की उन्हीं सेवन हार्ड्स रियलिटी को आपसे डिस्कस करूंगा ताकि आप अपने दर्द की मेन वजह को समझ सकें और एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर पाएं। सो फीलर्स बी रेडी टू फील द फैक्ट। नंबर वन, स्ट्रिक्ट पेरेंट्स। दोस्तों इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि हमारे पेरेंट्स हमसे बहुत प्यार करते हैं, बट इसके अलावा एक सच्चाई ये भी है कि कुछ पेरेंट्स बहुत कंट्रोलिंग और स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं। वो अक्सर चाहते हैं कि उनके बच्चे पूरी तरह से उनके कंट्रोल में रहें, फिर इसके लिए उन्हें अक्सर उसे डांटना या पीटना ही क्यों ना पड़े। शायद इन्हें ये नहीं पता कि जरूरत से ज्यादा सख्ती इनके बच्चे को और बुरा बनने पे मजबूर कर देती है। कुछ रिसर्च के मुताबिक जो पेरेंट्स अक्सर अपने बच्चे को डांटने या दबाने की कोशिश करते रहते हैं उनके बच्चे टीनेजर या एडल्ट होने पे बाकी लोगों से ज्यादा एग्रेसिव होते हैं। इनफैक्ट दूसरों को बुली करना या उनसे झूठ बोलना इन बच्चों को कतई बुरा नहीं लगता। और वैसे भी दोस्तों जो व्यक्ति बचपन से ऐसे स्ट्रिक्ट माहौल में रहा हो उसे तो अपने फायदे के लिए लोगों को दबाना बिल्कुल सही लगता होगा। नंबर टू, सोशल मीडिया। दोस्तों सोशल मीडिया का एडिक्शन तो वैसे टीनेजर्स में काफी कॉमन है लेकिन इसके अलावा एक दिक्कत और है, वो है सोशल मीडिया यूज करने का एक दबाव महसूस करना। जी हाँ, कुछ साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हर दो में से एक टीनेजर अक्सर सोशल मीडिया में अप टू डेट रहने को लेकर काफी प्रेशर फील करता है या करती है। कुछ टीनेजर्स को लगता है कि अगर वो आज सोशल मीडिया का यूज नहीं करेंगे तो अपनी बाकी की दोस्तों से थोड़ा पीछे हो जाएंगे। हो सकता है वो कोई जरूरी मैसेज, इनविटेशन या कोई ट्रेंडिंग पोस्ट मिस कर दें। इसलिए दोस्तों अगली बार से आप जब भी फेसबुक या इंस्टा ऐप को ओपन करने जाइए तो एक बार जरा इस फैक्ट के बारे में जरूर सोच के देखिएगा और ये डिसाइड करिएगा कि कहीं आप भी इस प्रेशर को जाने अनजाने फील तो नहीं कर रहे हैं। नंबर थ्री, कॉन्फ्लिक्ट एंड डिप्रेशन। दोस्तों अगर आपका बचपन बहुत ही शांतिपूर्ण बीता है तो ऊपर वाले को धन्यवाद कहिए, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि बहुत से टीनेजर्स बचपन से ही काफी लड़ाई झगड़े यानी कि मानसिक रूप से अशांत माहौल में रहे हैं। जैसे कि घर में फैमिली मेंबर्स के बीच या पेरेंट्स के बीच अक्सर कॉन्फ्लिक्ट का होना, पेरेंट्स का अक्सर आप पे चिल्लाना या ऐसे किसी भी तरह का नेगेटिव माहौल में रहना। यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के कुछ रिसर्च और स्टडी ये दिखाते हैं कि ऐसे बच्चे टीनेजर या एडल्ट होने पे डिप्रेशन के आसानी से शिकार हो सकते हैं। इनफैक्ट ये अपनी लाइफ में आने वाले छोटे मोटे स्ट्रेस का भी सामना सही से नहीं कर पाते और इनका सेल्फ एस्टीम बाकियों के मुकाबले काफी कम होता है, यानी कि ये काबिल होने के बावजूद भी हमेशा खुद पे डाउट करते रहते हैं। नंबर फोर, फियर ऑफ फ्यूचर। दोस्तों ये सोशल मीडिया का युग है, यहाँ पे आप पर डे ऐसे लोगों को जरूर देखते हैं जो तकरीबन आपकी उम्र के हैं और वो काफी सफल हो गए हैं। इसके साथ आप ये भी देखते हैं कि कैसे आपके पेरेंट्स और रिलेटिव्स सब आपसे बहुत एक्सपेक्टेशन लेकर बैठे हैं, उनके लिए एग्जाम के नंबर बहुत मायने रखते हैं। इन सभी को देखने के बाद जब आप खुद से ये पूछते हैं कि मैं आगे जाकर क्या करूंगा, पढ़ने में तो मेरा मन उतना लगता नहीं है और दूसरा कुछ खास मैं कर पाऊंगा नहीं, सबको लगता है कि मैं बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन काहे का बड़ा आदमी, अभी तो मुझको यही नहीं पता कि मैं किधर जा रहा हूँ। और लड़के फिर भी कुछ देर टेंशन लेकर भूल जाते हैं, लेकिन लड़कियों का क्या, आज के वक्त तो वो फ्यूचर को लेकर लड़कों से भी ज्यादा भार महसूस कर रही हैं। नंबर फाइव, टीनेज ब्रेन। दोस्तों अभी पैसों की गड्डी देखकर या महंगी कारें देखकर हो ना हो आपको मजा तो बहुत आता होगा और तुरंत दिमाग में ये चलता होगा कि यार काश ये मेरे पास होता। हालांकि ऐसी चाहते तो एडल्ट भी रखते हैं, पर टीनेजर्स का ब्रेन कुछ मिलने पे ज्यादा डोपामिन रिलीज करता है, यानी कि ज्यादा मजा देता है। जैसे कि अगर एक 25 साल के लड़के और एक 15 साल के लड़के को एक एक चॉकलेट खिलाई जाए तो ये 15 साल का लड़का उसे ज्यादा एंजॉय करेगा। एक स्टडी में जब एक एडल्ट और एक टीनेजर को बेट यानी कि सट्टा लगाने के गेम में शामिल किया गया तो कमाल की बात ये दिखी कि उस टीनेजर ने उस एडल्ट के मुकाबले ज्यादा रिस्क उठाया ताकि वो ज्यादा पैसे जीत सके, और जितनी बार वो पैसे जीत रहा था उतनी बार उसके दिमाग का मजा देने वाला हिस्सा यानी कि रिवॉर्ड सेंटर ज्यादा एक्टिवेट हो जा रहा था।
यानी कि टीनेजर्स का ब्रेन इस उम्र तक सही से मेच्योर नहीं हुआ होता, इसलिए ये मजे के पीछे ज्यादा भागते हैं और रिस्क लेने से भी जल्दी नहीं घबराते, जिसकी वजह से दूसरों से धोखा मिलना या गलत आदतों में इंडल्ज हो जाना टीनेज लाइफ में काफी आसान होता है। वाकई में अपने इस ब्रेन के साथ आगे बढ़ना टीनेजर्स के लिए काफी चैलेंजिंग होता है। नंबर 6, पीयर प्रेशर। दोस्तों, आपने अक्सर ये देखा होगा कि आप अपने डिसीजन लास्ट मोमेंट पे सिर्फ इसलिए बदल देते हैं क्योंकि आपकी ज्यादातर फ्रेंड्स का कुछ और सोचना होता है। जैसे कि आज शाम को पार्टी है, लेकिन आपने ये सोच लिया है कि चाहे जो भी हो जाए मैं पार्टी में नहीं जाने वाला, मैं सिर्फ एग्जाम की तैयारी करूंगा। और शाम तक सब कुछ ठीक से चलता है, लेकिन तभी अचानक आपका फोन बजता है और पता चलता है कि आपके लगभग सभी दोस्त पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं और वो पार्टी में आने के लिए आपको भी मजबूर कर रहे हैं। हालांकि ऐसा करना काफी कॉमन है, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि आप ना चाहते हुए भी उस पार्टी में पहुंच जाते हैं। अपने दोस्तों का हम पे ये दबाव यानी कि पीयर प्रेशर आज टीनेजर्स की बहुत बड़ी कमजोरी बन गई है। उनके फ्रेंड सर्कल में क्या ट्रेंड चल रहा है, वो कहाँ जा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कौन सा फोन या बाइक यूज कर रहे हैं और वो किस क्रिएटर के कंटेंट को ज्यादा देख रहे हैं, ये सभी चीजें आपकी लाइफ को कहीं न कहीं जरूर प्रभावित कर रही होती हैं। इसलिए दोस्तों, थोड़ा जागरूक बनिए और झुंड की सोच से हटकर अपनी एक अलग सोच और पहचान बनाइए। नंबर 7, अट्रैक्टिवनेस बायसिंग। दोस्तों, आपने ये अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि कोई अट्रैक्टिव चीज या इंसान आपको अपनी तरफ आसानी से जरूर खींच लेता होगा। वैसे तो ये हर किसी के साथ होता है, बट टीनेज में हम सभी चीजों को सिर्फ उनके बाहरी सुंदरता से ही जज कर लेते हैं। जैसे कि एक स्टडी में ये देखा गया कि स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स अक्सर उन टीचर्स को ज्यादा बेहतर मानते हैं जो ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यानी कि वो टीचर भले ही पढ़ाने में एवरेज हो, लेकिन उनकी अट्रैक्टिवनेस की वजह से टीनेजर उन्हें ज्यादा पसंद करने लगते हैं। और कुछ ऐसा ही तब होता है जब ये किसी के प्यार में पड़ते हैं। ये सिर्फ बाहर से देख लेंगे, अरे ये लड़की या लड़का बहुत अट्रैक्टिव है, और फिर क्या, बिना उसे अंदर से जाने ये उसके प्यार में बुरी तरह से डूब जाते हैं, जो आगे चलकर इनकी लाइफ को तकलीफों से भर देता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी भी पर्सन को वैसा मत मानिए जैसा वो खुद को दिखा रहा है, बल्कि इसकी जगह ये जानने की कोशिश करिए कि एक्चुअल में वो पर्सन अंदर से है कैसा। दोस्तों, टीनेज लाइफ को बहुत ऑब्जर्व करने के बाद मुझे ये 7 मेन दिक्कतें समझ में आई। आपको क्या लगता है, आप इनमें से कितनी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं? और इसके अलावा ऐसी और कौन सी दिक्कतें हैं जो मैंने इस वीडियो में मेंशन नहीं किया, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करिएगा, हमें बहुत अच्छा लगता है। और अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब का बटन तो जरूर दबा दीजिएगा, हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।